तो गाइस स्वागत है आप सबका रेसल फ्यूज में। तो गाइस अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम गोल है अभी 500 सब्स को टच करने का, जिसमें 200 के आसपास सब्स रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज AEW के रिलेटेड बहुत ही सारी अपडेट्स है, क्योंकि फाइनली कर चुके केनी ओमेगा अपना रिटर्न आज की डायनामाइट में, क्योंकि आज था ट्रायोस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मैच जिसमें यंग बक्स के पार्टनर बने थे केनी ओमेगा, क्योंकि अभी तक AEW ने अनाउंस नहीं करा था कौन होने वाले उनके पार्टनर। तो आज केनी ओमेगा ने करा अपना ऐसा रिटर्न और वो ये मैच जीते भी। मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्यूड बिल्ट हो सकती है, एक तो एडम कोल और काइल ओराइली और बॉबी फिश की टीम और एक केनी ओमेगा और यंग बक्स की टीम के, और अगली डायनामाइट के लिए जो एक बहुत ही बड़ा मैच कंफर्म हो गया, क्योंकि आज हमें ब्रॉल भी दिखी थी सीएम पंक और जॉन मॉक्सली की। तो ये मैच AEW ने कंफर्म कर लिया है अगली डायनामाइट में, जिसमें एक ही चैंपियन बाहर निकलेगा। मेरे को लग रहा था ये मैच AEW कराएगी AEW ऑल आउट पे पर व्यू में, लेकिन AEW अगले हफ्ते की डायनामाइट में करा रही है, देखते हैं कैसा जाता है ये मैच। और जो एक सिंगल्स मैच कंफर्म हुआ अगले डायनामाइट के लिए वो है जे लीथल वर्सेस डैक्स हार्वुड, और ट्रायोस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक और क्वालिफायर मैच हो चुका है कंफर्म, जो है डेथ ट्रायंगल वर्सेस ओसी ओपन। और क्लॉडियो मतलब सेजारो जो है अभी ROH चैंपियन, तो उनका जो नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है, तो PW इनसाइडर से ये न्यूज है कि उनके नेक्स्ट ओपोनेंट होंगे डस्टिन रोड्स। ये मैच अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन PW इनसाइडर ने कहा है कि 26 अगस्त के AEW रैम्पेज में ये हो जाएगा कंफर्म। अगर ये कंफर्म होता तो एक और बड़ा मैच होने वाला है ROH के लिए, क्योंकि डस्टिन रोड्स एक बहुत ही बड़े स्टार है और उनके अगेंस्ट है सेजारो। और अभी तक जो AEW ऑल आउट का मैच कार्ड हो चुका है कंफर्म, सबसे पहला मैच कंफर्म है फॉर AEW वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप, थंडर रोजा जो है वुमेन चैंपियन, उनका मैच है अगेंस्ट टोनी स्टॉर्म। एक ट्रायोस टैग टीम मैच हो चुका है कंफर्म, जो है FTR एंड वार्डलो वर्सेस सतनाम सिंह, जे लीथल एंड संजय दत्त। एक AEW वर्ल्ड ट्रायो टैग टीम टाइटल चैंपियनशिप के लिए भी होने वाला है मैच, लेकिन अभी क्वालिफायर चल रहा है तो फाइनल टू टीम्स का होगा ये मैच। एक और मैच जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो हो, लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है, वो है जंगल बॉय वर्सेस क्रिस्टन केज। तो जॉनी गर्गानो को एक तरह से बेस्ट फ्रेंड टोमासो सियांपा ने कहा है कि 100% जॉनी गर्गानो करेंगे अपना इन रिंग रिटर्न वापस, लेकिन वो कौन सी रिंग मतलब किस कंपनी में करे वो कंफर्म नहीं है, और उनके हिसाब से ये बहुत टफ है कि वो आखिर कौन सी कंपनी में करे अपना रिटर्न, AEW या WWE। मुझे तो लग रहा है अब करेंगे जॉनी गर्गानो अपना रिटर्न WWE में। आप सब कमेंट में जरूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी में करेंगे फाइनली जॉनी गर्गानो अपना रिटर्न। और मिकी जेम्स जो है एक इंपैक्ट रेसलिंग की स्टार, उनकी अपीयरेंस हो चुकी है कंफर्म, वो आने वाली है August 26 and August 27 और वहां पे वो करेगी एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट। तो देखते हैं क्या ये अनाउंसमेंट होती है उनकी रिटायरमेंट से रिलेटेड, या फिर ये प्रोफेशनल रेसलिंग है, यहाँ पे रिटायरमेंट से पहले एक और रिटर्न भी हो सकता है और उनका रेसलिंग मैच भी हो सकता है कंफर्म। तो देखते हैं क्या अनाउंसमेंट करती है मिकी जेम्स August 26 या August 27 को। और द रॉक ने एक चीज शेयर करी है कि जब बहुत टाइम पहले शील्ड इकट्ठे थी और उन्होंने अटैक करा था द रॉक को, जो था रेसलमेनिया से थोड़े टाइम पहले, और वो जब रोमन रेंज के कंधे पे होते हैं जब द शील्ड लगाती थी पावर बॉम्ब मिलके, रोमन रेंज ने उन्हें इतना तेज की फेंका था उस मैट के थ्रू जिससे उनकी एक ब्लड वेसल भी बर्स्ट हो गई थी, और रोमन रेंज ने जब उन्हें फेंका तो उन्होंने ये पूछा कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उसका ये रिप्लाई करा कि किसी को क्या फर्क पड़ता है, और फिर वो चले जाता। ये इंसिडेंट बताया द रॉक ने कि क्या हुआ था जब पहले शील्ड ने उन्हें पावर बॉम्ब करा था रेसलमेनिया से पहले। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस अपने कैरेक्टर में रह रहे होंगे उस टाइम, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। ये न्यूज आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर से कि ट्रिपल एच ने बताया कि 90,000 तक टिकट सोल्ड हो चुकी है रेसलमेनिया 39 की। रेसलमेनिया के टिकट जब सोल्ड रही है उसके पहले दिन ही, मतलब सोफा स्टेडियम जो जहां पे होने वाला है रेसलमेनिया 39, उसका 80% तो सोल्ड आउट हो चुका है ऑलरेडी, जब अभी भी 8 महीने पड़े हैं रेसलमेनिया को होने के लिए। और निक खान ने ये रिवील करा कि WWE का जो नेक्स्ट पेपर व्यू है वो होने वाला है सऊदी का शो, जो होगा फर्स्ट वीकेंड ऑफ नवंबर, मतलब एक्सट्रीम रूल्स के बाद हमें शायद सऊदी अरेबिया में देगा क्राउन जूल। और निक खान ने ये भी बताया कि उनको जो UK से रेटिंग्स आती है वो बहुत ही ज्यादा आती है, इसलिए वो होल्ड करिए एक UK का स्पेशल पेपर व्यू क्लैश एट द कैसल, और वो फोकस है और इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं कि फ्यूचर में हम एक स्पेशली पेपर व्यू भी देख सकते हैं इंडिया में कि नहीं। और एक जो पहले मैच हुआ था सीएम पंक वर्सेस रे मिस्टीरियो, जिसमें रे मिस्टीरियो ने काट दिए थे सीएम पंक के बाल, तो रे मिस्टीरियो ने बताया कि अभी तक वो बाल रे मिस्टीरियो ने एक जिप लॉक बैग में रखे हुए हैं, और यही चीज वो करते हैं लूचा लिब्रे में, क्योंकि उन्होंने बताया जैसे होता था मास्क वर्सेस मास्क मैच पहले, और अगर तुम जीत गए वो मैच तो तुम्हें ओपोनेंट का मास्क मिल जाता था और वो तुम रखते थे एज अ ट्रॉफी। ये चीज उन्होंने अपने अंकल से सीखी है, तो ये चीज बताई है उन्होंने कि अभी तक की उन्होंने संभाल के रखे हुए सीएम पंक के वो हेयर। और क्रिस कैटलैंडर जो है AEW वुमेन स्टार, तो वो भी हो चुकी
या इंजर्ड और उनके रिकवरी टाइम को लग सकते हैं 6 से 8 महीने। पहले क्रिस स्टार्टलैंडर ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए आउट ऑफ एक्शन होगी, लेकिन बाद में ये पता चला कि उनका ACL हो चुका है टोन, मतलब आपको वो इन रिंग एक्शन के लिए नहीं दिखेगी अगले 6 से 8 महीने। अभी आप सबको पता हो केविन ओवेंस का जो फिनिशर है वो है एक स्टनर, या फिर पहले वो लगाते थे पावर बॉम्ब जो उनका एक तरह से मेन मूव था, मतलब कभी भी उनका एक तरह से अपना खुद का फिनिशर नहीं है। तो उस पे एक बंदे ने ट्विटर पे कहा है कि क्यों केविन ओवेंस का क्यों नहीं है खुद का फिनिशर, फिर उन्होंने कहा है कि इसलिए केविन ओवेंस की कोई ओरिजिनलिटी भी नहीं है क्योंकि हर रेसलर का होता है खुद का फिनिशर। और इसका केविन ओवेंस ने खुद रिप्लाई करा है, उन्होंने कहा है कि वो ऐसे है क्योंकि सब कॉपी नहीं कर पाते हर बंदा का फिनिशर, इसलिए वो एक ट्रेल ब्लेजर। तो इस पे फिर ब्रेट ने रिप्लाई करा कि तुम ट्रेल ब्लेज करो अपने आप को एक न्यू फिनिशिंग मूव जो तुमने खुद क्रिएट करा। तो इस पे केविन ओवेंस ने ब्रेट को एक तरह से कर दिया ट्रोल क्योंकि उन्होंने एक सेल्फी भेजी है, अब वो दूसरे को कॉपी करना और ज्यादा करेंगे। और फिर उन्होंने जो सेल्फी भेजी है फ्रंट ऑफ अ वॉटर, तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ ब्रेट ही नहीं है जिन्होंने एक फोटो खिंचाई है एक वॉटर बॉडी के सामने जिसमें ब्रेट लगते हैं एकदम मिजरेबल, क्योंकि जो ब्रेट की प्रोफाइल पिक्चर है वो भी एक वॉटर बॉडी के सामने।